हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमारे चारों तरफ कोई ना कोई रिएक्शंस होती रहती हैं। कभी आप दूध गर्म करते हो और दूध फट जाता है, तो दूध का फटना एक केमिकल रिएक्शन है। कभी आप मोमबत्ती को जला रहे हो तो मोमबत्ती जल के पिघल रही है और नीचे गिर रही है, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो हमारे चारों तरफ होने वाली कई घटनाएं केमिकल रिएक्शंस को बताती हैं, ठीक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इनको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे C3H8 plus O2 gives CO2 plus H2O। ये एक केमिकल रिएक्शन है, इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हर एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी है। बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, उसके पीछे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहलाता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना हम किसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि किसी भी मास को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जाता। कहने का मतलब ये है कि जितने एटम्स यहाँ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उतने ही एटम्स आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलने चाहिए। अब यहाँ पर हमें कुछ गड़बड़ दिख रही है कि यहाँ पर कार्बन के 3 एटम दिख रहे हैं, पर यहाँ पर कार्बन का 1 ही एटम है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 ही एटम हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 और 1 3 एटम्स हैं। तो ये जो चीज़ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल नहीं कर रही है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का बहुत आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप देखिए और इसे समझने की कोशिश करिए। जितने भी एटम्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, यानी रिएक्टेंट्स, और जितने भी राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट्स में एटम्स मिल रहे हैं, उनको हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। देखिए LHS RHS, यहां पर कार्बन के कितने एटम्स हैं, 3। हाइड्रोजन के कितने हैं, 8। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। सबसे पहले हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा एटम्स किस एलिमेंट के हैं। सबसे ज़्यादा एटम हमें यहाँ पर हाइड्रोजन के दिख रहे हैं, हम उसी एटम को सबसे पहले बैलेंस करते हैं जिसके सबसे ज़्यादा एटम्स होते हैं, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो यानी रिएक्टेंट्स में हो, चाहे वो राइट हैंड साइड में हो यानी कि प्रोडक्ट्स में हो, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं राइट हैंड साइड में कार्बन के कितने एटम्स हैं, 1 एटम है। ऑक्सीजन के 2 और 1 3 एटम हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। प्रोडक्ट्स में यानी राइट हैंड साइड में कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। इन्हें बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले हमने कहा कि सबसे पहले हमें उस एटम को देखना है जिसके सबसे नंबर ऑफ एटम्स, उस एलिमेंट को देखना है जिसके नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन, इसके सबसे ज़्यादा एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो हम सबसे पहले इसी को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, 2। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यदि 2 में
फोर का मल्टीप्लाई करते हैं तो एट हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं फोर। तो फोर टू द एट, यहाँ पर अब हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो गए हैं? एट। ये एट एटम्स यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन जैसे ही हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने की प्रोसेस करी, उसी समय हमारे ऑक्सीजन के एटम यहाँ पर बढ़ गए। फोर वन ज़ा फोर, फोर और टू सिक्स। यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रोडक्ट में छः एटम हो गए। कितने हो गए? छः। इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको? अब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है, हम देखते हैं कि सेकेंड नंबर पर हाईएस्ट एलिमेंट, हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला एटम कौन सा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा एटम्स किसके हैं? कार्बन के। ये वो एलिमेंट है जो हाइड्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे कार्बन तीन है, तो हम इसके बाद हाइड्रोजन के बाद किसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे? कार्बन को। कार्बन के यहाँ पर तीन है, ठीक है, यहाँ पर एक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर थ्री लिखेंगे, थ्री, थ्री वन द थ्री, थ्री टू द सिक्स। कार्बन के यहाँ पर तो हो गए थ्री एटम्स, तो हम यहाँ लिख देंगे थ्री। लेकिन जैसे ही हमने कार्बन को बैलेंस करने का प्रयास किया, उसी समय हमारे ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए? थ्री टू जा सिक्स, सिक्स और फोर टेन। यहाँ पे कितने हो गए? ये टेन, ये टेन हो गए। तो अब आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ देखिए, यहाँ हो गए तीन, यहाँ हो गए एट, यहाँ हो गए थ्री, यहाँ हो गए एट। अब रह गया है ऑक्सीजन, जिसको हमें बैलेंस करना है। राइट हैंड साइड पर इसके एट एटम्स प्रेजेंट हैं, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी इसके एट एटम्स बनाने हैं। अभी लेफ्ट हैंड साइड पे फाइव एटम्स हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे फाइव, फाइव टू द टेन। तो ये कितने एटम्स हो गए? दस। इस तरीके से हम देखते हैं कि हर एक एलिमेंट के सारे एटम यहाँ पर बैलेंस हैं। यहाँ देखिए आप लोग, कार्बन के थ्री लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कार्बन के थ्री, हाइड्रोजन के एट एटम्स, हाइड्रोजन के एट एटम्स राइट हैंड साइड में भी, और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के टेन एटम्स, और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के टेन एटम्स प्रेजेंट हैं। इस तरीके से ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये एक और इक्वेशन है जिससे हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम केमिकल इक्वेशंस को इजीली बैलेंस करना सीख सकें। ठीक है, मैंने सबसे पहले ही आपको एक चीज़ बताई है कि हमें चाहे रिएक्टेंट्स हों चाहे प्रोडक्ट, हमें उस एलिमेंट को ढूंढना है जिसके सबसे ज़्यादा एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एटम्स ऑक्सीजन के दिखाई दे रहे हैं, तो हम ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करना चालू करेंगे। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर लिख लेते हैं LHS, RHS, LHS में आयरन के कितने एटम्स हैं? वन। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? टू। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? वन, वन टू वन। आयरन का एक एटम, हाइड्रोजन का दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम। अब हम राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड पे जाते हैं। यहाँ पर हमें आयरन के मिल रहे हैं तीन एटम्स, हाइड्रोजन के मिले हैं यहाँ पर हमें दो एटम्स, और ऑक्सीजन के हमें यहाँ पर मिले हैं चार एटम्स। तो आपको फिर वही ये बात याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स, सबसे ज़्यादा एटम्स किस एलिमेंट के हैं? ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं चार। किस साइड हैं? प्रोडक्ट साइड यानी राइट हैंड साइड।
तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं फोर लिखते हैं, कितना लिख देते हैं फोर। पर जैसे ही हमने यहाँ पर फोर लिखा तो हाइड्रोजन के एटम भी इसके साथ बढ़ गए, फोर वन ज़ा फोर, ऑक्सीजन के तो फोर हो गए। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो गए एट, तो हम यहाँ पर एट लिख देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन फोर हो चुकी है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी फोर हो चुकी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो सेकेंड एलिमेंट कौन सा है जिसके सबसे ज़्यादा एटम प्रेजेंट हैं। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया था, उसके बाद हम किसको देखेंगे आयरन को, क्योंकि इसके तीन एटम यहाँ पर प्रेजेंट हैं, थ्री एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है आयरन के। तो हम सब इसके बाद ऑक्सीजन के बाद किसको इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको आयरन का केवल एक एटम दिखाई दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं थ्री लिख देते हैं, ये थ्री। तो आयरन का यहाँ पर थ्री एटम्स बैलेंस हुआ। अब आप देख रहे हैं थ्री एट, थ्री टू फोर, तो थ्री और फोर यानी आयरन और ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर लिया है। अब बचा क्या है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पर केवल दो एटम प्रेजेंट हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर आठ हाइड्रोजन के एटम दिखाने होंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं फोर, फोर टू जा एट। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे एट एटम प्रेजेंट थे वही अब राइट हैंड साइड पे भी हो गए हैं एट। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आयरन के तीन एटम्स, हाइड्रोजन के एट एटम्स फोर टू ज़ा एट, ऑक्सीजन के फोर एटम्स फोर वन ज़ा फोर। राइट हैंड साइड की बात करें आयरन के तीन एटम्स, हाइड्रोजन के एट एटम्स फोर टू ज़ा एट और ऑक्सीजन के फोर एटम फोर एटम। इस तरीके से ये एक केमिकल रिएक्शन फिर हमने बैलेंस करी है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना समझ में आया होगा।